बलरामपुर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से कोहराम मच गया। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के गदुरहवा की है, जहां एक घर में रिसाव के चलते रसोई गैस का सिलेंडर फट गया, जिससे तेज धमाके के साथ कई मकानों के परखच्चे उड़ गए। वहीं धमाका इतना जोरदार था कि एक किशोर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं धमाके के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। आज सुबह प्रातः 9 बजे के करीब जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर के गदुरहवा क्षेत्र में एक मोहम्मद रजा हैं, जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं। इनके घर में इनकी पत्नी जब खाना बना रही थी तो उसमें गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, जिसमें इनकी पत्नी और इनकी बेटी वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इनका भांजा उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। और वहाँ पर सीओ सिटी, इंस्पेक्टर नगर और बाकी फोर्स भी है, उसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा करके हम लोग आगे इसमें छानबीन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि गदुरहवा मोहल्ले की आबादी काफी घनी है। सुबह पूरा मोहल्ला विस्फोट से दहल गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दकी की रिपोर्ट।